दोस्तों, स्मार्ट कॉइन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आपको इंस्टेंट जो है लोन देखने के लिए मिल जाएगा और सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन मोबाइल से आप कर सकते हैं। जैसे देखिए, स्मार्ट कॉइन एप्लीकेशन हम यहाँ पे ओपन करके दिखाते हैं, तो देखिए जैसे मुझे जो है 55,000 का लोन यहाँ पे मिला हुआ है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज, अगर आप स्मार्ट कॉइन पहले से यूज़ कर चुके हैं या फर्स्ट टाइम भी यूज़ कर चुके हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है हमने 2-3 बार यहाँ से लोन लिया है, ठीक है। उसके बाद जब मेरा रीपेमेंट हो चुका है, पूरा का पूरा फुल पेमेंट हो गया, उसके बाद देखिए मुझे इस तरह का एक मैसेज मिला कि हमने जो है एक ऑफ़र आपके लिए अनलॉक किया है, जैसा कि आप यहाँ पे मैसेज देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम अब मोबाइल एप्लीकेशन यानी कि स्मार्ट कॉइन का जो एप्लीकेशन है हम उसमें जाके चेक करते हैं। तो जैसे ही देखिए हम यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, ओपन करने का जो पासवर्ड है हमने लगाया, ओपन कर लिया। अब यहाँ पर देखिए लोन ऑफ़र अनलॉक्ड यहाँ पर देखिए देखने के लिए मिल रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही लोन ऑफर अनलॉक 10,000 से 55,000 तक यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि 10,000 से 55,000 के बीच हम लोन ले सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जितना ऑफर आपको मिलेगा उसके बीच आप चाहे तो घटा बढ़ा के ले सकते हैं। तो इस लोन को लेने के लिए अप्लाई लोन नाउ का ऑप्शन जो मिल रहा है उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखिए यहाँ पर 55,000 है जो मतलब लास्ट अप्रूव है, 10,000 से 55,000 के बीच आप चाहें तो लोन ले सकते हैं, जैसा मेरा यहाँ पे अप्रूव दिखा रहा है। आप चाहे तो यानी कि अगर आपका ज़्यादा हो या कम हो या फिर इसको ज़्यादा कम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको ज़्यादा और कम करने का ऑप्शन मिल जाएगा। EMI कितना बनेगा, प्रोसेसिंग फ़ीस कितना लगेगा, GST कितना लगेगा, आपका कितने महीने के लिए आप ले रहे हैं, सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप अच्छे से देख लेंगे, यहाँ पे देखिए सारा डिटेल रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोन ऑफर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे ही कम ज़्यादा करेंगे तो आपका EMI वगैरह भी कम ज़्यादा होते रहेगा, ठीक है। अब हमको ये लेना है तो अप्लाई फॉर क्यूक कैश का नीचे ऑप्शन मिल जाता है, देखिए यहाँ पर। उससे पहले आपको पर्पस डालना होगा कि किस पर्पस से आप ये लोन लेना चाह रहे हैं। तो शॉपिंग लिख देते हैं, तो शॉपिंग मतलब पर्सनल शॉपिंग का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पर्सनल शॉपिंग में हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं पर्सनल शॉपिंग का, और भी बहुत सारा ऑप्शन है, आप चाहें तो दूसरा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पर्सनल शॉपिंग करने के बाद अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है लोन अप्लाइड हो चुका है। अब यहाँ पर जैसे ही करेंगे लोन अप्लाइड हो गया, अब यहाँ पर लोन प्रोसेसिंग हो रहा है। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा आपको, क्या आएगा, साइन इन करने का, यानी डिजिटल साइन इन करने का ऑप्शन आता है। ज़्यादा देर टाइम नहीं लगता आपको, थोड़ा सा 1-2 मिनट ही इंतज़ार करना होता है या रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए अब हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं, देख सकते हैं कि जो है हम अभी ये सारा प्रोसेस दिखा रहे हैं यहाँ पे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, ठीक है। अभी आगे का प्रोसेस क्या है वो भी आप देख लीजिए, और बैंक अकाउंट में कब आता है वो भी हम यहाँ पे डिटेल में बताएंगे कितना टाइम लगता है, ठीक है। ये मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट एप्लीकेशन, क्योंकि देखिए पेटीएम से लीजिएगा तो 10-15 दिन ले लेता है। अब देखिए यहाँ पर साइन इन का भी ऑप्शन आ गया, रेट डालने के लिए बोल रहा था, आप बाद में डाल सकते हैं। जैसा देख सकते हैं लोन एग्रीमेंट आ गया, ओपन एग्रीमेंट एंड साइन का ऑप्शन है, तो साइन कर लीजिएगा। यहाँ पे ओपन एग्रीमेंट पर क्लिक करिएगा तो एक एग्रीमेंट ओपन होगा लेंडर का जो आपको देता है लोन उसका, ठीक है। तो आप चाहे तो पढ़ ले इसको बढ़िया से, अगर आप चाहें टर्म एंड कंडीशन पढ़ने के लिए तो पढ़ ले, अगर नहीं पढ़ना है तो साइन इन पे क्लिक करिएगा। तो आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, 5 स्टेप रहता है, 5 स्टेप कंप्लीट हो। अगर आप पहले लोन ले चुके हैं तो आपका KYC वगैरह पहले ही हो जाता है। अब यहाँ पर रेडी टू रिसीव लोन बोल रहा है, मतलब कि अब आपके अकाउंट में ये ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे बोल रहा है कि 3 घंटे के अंदर आपको लोन मिल जाएगा, मगर गाइज बता दें कि 3 घंटा का टाइम नहीं लगता, बल्कि 5 मिनट ही टाइम लगता है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मेरा एक्सिस बैंक का एप्लीकेशन है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगा और मेरे अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र हो गया। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि लोन ऑफ़र दोबारा नहीं मिलता है, तो अगर आप पेमेंट सही से करते हैं यानी कि जो है उसका EMI है उसका अगर पेमेंट सही कर देते हैं तो आपको 100% दोबारा लोन ऑफर मिलेगा। तो मैंने लाइव प्रोसेस करके यहाँ पर दिखाया, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।